अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज हम पढ़ेंगे इंडिया एंड द ग्रेट डिप्रेशन। जो हमारा लास्ट लेक्चर था दैट वाज अबाउट ग्रेट डिप्रेशन, द ग्रेट इकोनॉमिक डिप्रेशन, जिससे वर्ल्ड की इकॉनमी में बहुत हार्मफुल या हम कहेंगे वर्स्ट इफ़ेक्ट पड़ गया था। तो इस दौरान हमने कहा कि जो ग्रेट डिप्रेशन है ये डिफरेंट कंट्रीज़ में अलग अलग इसका जो डेट है वो वेरी करता है, लेकिन स्टार्ट हुआ है 1929 में। इसमें वर्ल्ड की डिफरेंट इकोनॉमीज इन्वॉल्व हो गई और वर्ल्ड की डिफरेंट जो कंट्रीज़ थी उनको बहुत ज़्यादा सफ़र करना पड़ा। आज हम देखेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन जो चला स्टार्ट हुआ जो 1929 में स्टार्ट हुआ, क्या इसका असर हिंदुस्तान पे पड़ गया या नहीं पड़ गया, क्योंकि हिंदुस्तान एक यहाँ पे इसको कहते थे कॉलोनियल इंडिया। कॉलोनियल इंडिया इसलिए क्योंकि ये कॉलोनी थी। किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटिश की, ब्रिटेन की कॉलोनी थी। तो अगर हम देखेंगे कि जो ग्रेट डिप्रेशन है इसका असर जो हिंदुस्तान पे, हिंदुस्तान के लोगों पे भी पड़ा। तो कॉलोनियल इंडिया जो था इस दौरान जो एक्सपोर्टर था एग्रीकल्चरल गुड्स का, मीन्स कि यहाँ से ज़्यादा रॉ मटेरियल जाते थे, और इम्पोर्टर था मैन्युफैक्चरर्स का, मीन्स कि फिनिश्ड गुड्स मतलब हिंदुस्तान ज़्यादा इम्पोर्ट करता था। हिंदुस्तान के ट्रेड पे जो डिप्रेशन था उस पर बहुत ज़्यादा इट अफेक्टेड इंडियन ट्रेड। और इसमें ये एस्टिमेट लगाया गया कि 1928 से लेके 1934 तक, जो पहले हमने पढ़ा कि जो एक्सपोर्ट्स गिर रहे थे इंपोर्ट्स बढ़ रहे थे, तो ग्रेट डिप्रेशन में भी क्या हुआ, तो इस दौरान हाफ हो गया। बिटवीन 1928 एंड 1934 इंपोर्ट्स नियरली हाफ्ड एंड एक्सपोर्ट्स आल्सो हाफ्ड, क्योंकि इंटरनेशनल प्राइस क्रेश हो गए और इसका असर हिंदुस्तान पे भी पड़ा। 1928 और 1934 में तक जो वीट प्राइसेस थे हिंदुस्तान में वो गिर गए 50%। जो हिंदुस्तान में ग्रेट डिप्रेशन हो गया इसमें कौन लोग ज़्यादा इन्वॉल्व हो गए? इसमें ज़्यादा पीजेंट्स इन्वॉल्व हो गए, फार्मर्स इन्वॉल्व हो गए। फार्मर्स एंड पीजेंट्स सफर्ड मोर देन अर्बन डेवलपर्स। अर्बन डेवलपर्स मीन्स जो अर्बन एरियाज में लोग रहते थे उन पे भी असर पड़ गया, लेकिन ज़्यादा असर पड़ गया पीजेंट्स एंड फार्मर्स पे, क्योंकि मोस्टली एग्रीकल्चर प्राइसेस फेल हो गए और बहुत ज़्यादा फेल हो गए। जो कॉलोनियल गवर्नमेंट था उन्होंने कोई भी टैक्स रिड्यूस नहीं किया, क्योंकि वो भी चाहते थे उनकी रिकवरी, क्योंकि हमने पढ़ा जो ब्रिटेन था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के बाद उनकी इकोनॉमी बहुत ही वर्स्ट हिट हो गई, क्योंकि उन्होंने इन्वॉल्वमेंट दी थी फर्स्ट वर्ल्ड वार में, और उनकी जो प्लेस थी, पोजीशन थी, वो चेंज हो गई आफ्टर द वार। तो हिंदुस्तान के जो लोग जो एग्रीकल्चर से मुंसलिक थे उन वो ज़्यादा सफ़र इसलिए हो गए क्योंकि गवर्नमेंट कॉलोनियल गवर्नमेंट, यहाँ पे कॉलोनियल गवर्नमेंट था तो वो रिड्यूस नहीं कर रहा था इन पे टैक्स। जो पीजेंट्स वर्ल्ड मार्केट के लिए प्रोड्यूस कर रहे थे वो ज़्यादा इसमें मुतासिर हो गए, क्योंकि वर्ल्ड लेवल पे जो प्राइसेस थे वो बहुत ही ज़्यादा डाउन हो गए एग्रीकल्चरल प्राइस। तो इससे क्या हो गया, इससे कर्ज़दारी बढ़ गई, लोग कर्ज़े में आ गए, फार्मर्स कर्ज़े में आ गए, पीजेंट्स कर्ज़े में आ गए, और उनकी जो सेविंग्स होती थी, उनके पास जो ज़मीन होते थे, उनके पास जो ज्वेलरी होती थी या प्रीशियस मेटल्स होते थे मतलब थे, उन्होंने क्या किया, वो बेच दिया इस दौरान, क्योंकि इनके पास पैसे ही नहीं थे अपने एक्सपेंसेस को मीट करने के लिए, अपने एक्सपेंसेस के को उठाने के लिए। उन्होंने क्या किया, जो सेविंग्स वगैरह थी वो ख़त्म की, या जो इनके पास सोना था या कुछ कीमती मेटल्स थे वो भी बेच दिए। और जूट प्रोड्यूसर जो थे वो भी मुतासिर हो गए, स्पेशली बंगाल के जूट प्रोड्यूसर्स, उन्होंने बहुत ज़्यादा कर्ज़ा लिया था, क्योंकि उनको लगा था कि गन्नी बैग मीन्स जो वार में इस्तेमाल करते हैं सोल्जर्स, उन्होंने बहुत सारे ऐसे बैग्स बनाए, क्योंकि उनको लगता था कि हम बेचेंगे पूरे वर्ल्ड में। तो क्या हो गया, जूट प्रोड्यूसर जो बंगाल के थे उन्होंने रॉ जूट प्रोड्यूस किया था, फैक्ट्रीज़ में था एक्सपोर्ट करने के लिए, लेकिन
जो गनी एक्सपोर्ट्स कोलेप्स हो गया, जो प्राइस था रॉ जूट का वो क्रेश हो गया 60%। और जो पीजेंट जिन्होंने बोरो किया था, जिन्होंने उधार लिया था, किस मतलब होप में, किस उम्मीद में कि आगे जाके हम इसको बेचेंगे, हमको फ़ायदा मिलेगा, लेकिन इन्होंने अपना जो प्रोडक्शन बढ़ाया था, लेकिन इनको जो प्रोडक्शन इनके पास था वो इन्होंने बेचा ही नहीं। तो क्या हुआ, तो इससे ये हुआ कि इनके जो इनकम्स थे वो कम हो गए, और इनके जो क्योंकि प्राइसेस कम मिल रहे थे और ये ज़्यादा कर्ज में आ गई, दे फेल डीपर एंड डीपर इनटू डेट, तो वो कर्ज़े में आ गए। तो जो पीजेंट्स थे उन्होंने कर्ज़ा लिया था ताकि हम कर्ज़ा उठाएंगे, लेकिन जब हम इसको भेजेंगे तो हम कर्ज़ा भी वापस करेंगे और हमें फ़ायदा भी मिलेगा, लेकिन इनको कोई फ़ायदा नहीं मिला और ये भी इस ग्रेट डिप्रेशन में इन्वॉल्व हो गए। आपको याद होगा हमने कहा कि जो ग्रेट डिप्रेशन है इस पर ज़्यादा असर जो पड़ गया वो एग्रीकल्चरल सेक्टर पे पड़ गया। तो आप ये किताब पे आप पढ़ सकते हो जो उन्होंने पोएम की तरह कुछ लिखा है, अपनी जो गम, जो इनका गम था उसको एक्सप्रेस किया है कि हमारे साथ क्या हुआ। लेकिन इस दौरान जो एक्सपर्ट्स कहते हैं, जो इकोनॉमिस्ट कहते हैं कि इस दौरान एक हिंदुस्तान से इतना सोना चला गया कि हिंदुस्तान बन गया एक्सपोर्टर। एक्सपोर्टर किसका? बेचने वाला प्रीशियस मेटल्स, जैसे कि गोल्ड। मीन्स कि इस दौरान बहुत सारा गोल्ड हिंदुस्तान से चला गया। जो मॉडर्न इकोनॉमिस्ट है, फादर ऑफ मॉडर्न इकोनॉमिक्स, उसको कहते हैं जॉन मेनार्ड कीन्स। उसने कहा कि हिंदुस्तान इस दौरान जो हिंदुस्तान का गोल्ड जो यहाँ से निकल गया, इससे वर्ल्ड इकॉनमी रिकवरी हो गई। तो इस इकोनॉमिस्ट का मानना था कि जो इतना गोल्ड यहाँ से निकला इस दौरान कि वर्ल्ड की रिकवरी में इसने मदद किया। लेकिन जो यहाँ से गोल्ड निकला उससे किसकी रिकवरी होगी? दे सर्टेनली हेल्पर स्पीड अप ब्रिटेन रिकवरी, इससे ब्रिटेन की रिकवरी हो गई, न कि हिंदुस्तान की। बट डिड लिटिल फॉर द इंडियन पीजेंट्स, हिंदुस्तान की पीजेंट्स, क्योंकि जब ये सोना बेचते थे तो उन प्राइसेस पे नहीं इनको देते थे, मीन्स कि ये मजबूर होते थे, ये कम प्राइसेस पे बेचते थे जो इनके पास कीमती चीज़ें होती थी, तो मजबूर होकर ये बेचते थे तो उनको इतना पैसा नहीं मिलता था। तो इस दौरान जो लेते थे बड़े बड़े जो होते थे जो इनसे लेते थे मतलब, तो वही उनको उससे फ़ायदा मिला। तो डिप्रेशन, जो ग्रेट डिप्रेशन था, तो इससे क्या हो गया, खलबली मच गई, अफरा तफरी मच गई, गाँव में अनरेस्ट हो गया। तो इस दौरान महात्मा गांधी भी एक्टिव था, तो इसी दौरान इसने क्या किया, एक मूवमेंट लॉन्च किया जो एक मशहूर मूवमेंट है, फेमस मूवमेंट, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट, इसी दौरान वो लॉन्च हुआ था। तो इसमें भी लोगों ने पार्टिसिपेट किया था इसी होप में कि हमारे साथ क्या होगा, जो हम इस मुश्किल में हैं हम इससे निकलेंगे। लेकिन कहा जाता है कि ये जो हिंदुस्तान में ग्रेट डिप्रेशन का असर जो था वो ज़्यादा गांव में हुआ, रूरल एरियाज में हुआ, शहरों में नहीं हुआ। क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि जो फॉलिंग प्राइसेस था वो एग्रीकल्चर प्राइसेस थे, लेकिन जो शहरों में लोग काम करते थे सैलरीज पे, उनकी सैलरीज कम नहीं हुई। या जो लैंड ओनर्स, बड़े बड़े लैंड ओनर्स होते थे, जो ज़मीन रेंट पे देते थे, वो रिसीव रेंट ले रहे थे, और मिडिल क्लास सैलरीड एम्प्लॉय, मिडिल क्लास जो लोग जो ब्रिटिश के मतलब कंपनी या ब्रिटिश की गवर्नमेंट में मतलब नौकरियां करते थे, उनको भी सैलरी मिलती थी, तो इनको ज़्यादा नुकसान नहीं हो गया। तो इन क्योंकि जो प्रोडक्शन थी वो कॉस्टलेस थी, तो इनको ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। इसकी वजह से क्या हुआ, इसकी वजह से जो अर्बन एरियाज थे उन पे ज़्यादा असर नहीं पड़ गया। आज हम इतना ही पढ़ेंगे, नेक्स्ट लेक्चर में हम पढ़ेंगे सेकंड वर्ल्ड वॉर। टिल देन अल्लाह।